जयपुर में आयोजित राजीविका के सखी सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं से संवाद किया। सखी सम्मेलन में सीएम गहलोत ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं को चेक वितरित किए। महिला समूह को 381 करोड़ का ऋण बैंकों द्वारा दिया गया। सखी सम्मेलन में राजीविका स्वयं सहायता समूह की करीब 20,000 महिलाएं शामिल हुईं। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कई योजनाओं की शुरुआत की, जिनमें समृद्ध सखी योजना, ग्रामीण इंदिरा रसोई का संचालन, बीज से बाजार तक, खेत से खलिहान तक डिजिटल सखी योजना का शुभारंभ किया गया। और इसके बाद सीएम गहलोत ने शाबाश सखी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने स्टॉल से खरीदारी की और काउंटर से जानकारी भी ली। इस दौरान मुख्य सचिव उषा शर्मा, मंत्री रमेश मीणा सहित कई पदाधिकारी और अधिकारी भी मौजूद रहे। पत्नी तो घूंघट में है और पतिदेव जो है वो आके बैठते थे। कई बार तो हमारी मीटिंग में आके बैठते थे स्टेज पर। पूछते हम मीटिंग के बाद में, आप सरपंच साहब की पत्नी है वो नीचे बैठी, आप ऊपर आके कैसे बैठ गए हमारे साथ में? तो पति कहते थे, नहीं मैं सरपंच पति हूँ। तो मैं कहता, आप सरपंच पति, प्रधान पति, प्रमुख पति, नई पोस्ट क्रिएट कर दिया आप लोगों ने। और धीरे धीरे महिला जो है घूंघट में बैठती थी, पहले बोलती नहीं थी पति के सामने, अब धीरे धीरे महिला कहने लगी, आप घर पधारो, मैं अपना काम संभाल लूँगी। इतना बड़ा फर्क पड़ गया, महिलाओं का हौसला बुलंद हो गया है, महिलाएं अपनी कैपेसिटी जानती है। पुरुष और महिलाओं का सम्मान बराबर होता है समाज के अंदर, होना चाहिए। पर पुरुष प्रधान देश रहा है, प्रदेश रहा है, यदि पुरुषों का वर्चस्व ज़्यादा रहा है महिलाओं पर, बगैर पुरुषों को पूछ के वो काम नहीं करते। हमारे संस्कार अच्छे हैं, धीरे धीरे महिला समझ गई है। मुझे तो संविधान में अधिकार दिया है, कानून बना था पार्लियामेंट में संविधान के संशोधन के बाद में, तो संविधान ने मुझे जो अधिकार दे दिया है, अधिकार के मैं उपयोग करना चाहूँगी समाज के हित के अंदर, प्रदेश के विकास के अंदर। इसलिए मैंने कहा, आपके सहयोग से हम चाहेंगे राजस्थान में समाज में क्रांति आए, बदलाव आए, महिला पुरुषों का अधिकार बराबर हो, महिलाओं को समाज में सम्मान पूरा मिले। हमारी सरकार की नीति भी है, ये तो सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा मिले सबको, परिवार को। और दूसरा जो है, सुरक्षा के साथ साथ में अधिकार पूरा मिले उनको। 1,35,00,000 हम लोग मोबाइल फोन, स्मार्टफोन दे रहे हैं आपको, स्मार्टफोन हर महिला को दे रहे हैं। 1,35,00,000 स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, जिसमें 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी। पहले फेज में 40,00,000 महिलाओं को, जो विधवाएं हैं, जो स्टूडेंट पढ़ती है घरों के अंदर, उनको प्रायोरिटी दी गई है। मुझे खुशी हुआ, अभी बाहर स्टॉल के अंदर आप में थी जो आजीविका की महिला थी, उनको जानकारी थी बात की, पहले फेज शुरू हो गया है, 40,00,000 मोबाइल फोन बटने लग गए हैं। आपको जानकर खुशी होगी, 20 तारीख को, आज 18 तारीख हो गई, परसों से हम लोग कैंप लगा रहे हैं, जहाँ बाकी बची महिलाएं भी जो है गारंटी कार्ड लेगी वहाँ जा कर के। जैसे आपने महंगे शिविर में कार्ड लिए थे, गारंटी कार्ड लिए थे, 25,00,000 का बीमा लिया आप लोगों ने गारंटी कार्ड ग्रुप में, अन्नपूर्णा योजना लिया आपने, 10 गारंटी दी थी हमने, अब 11वीं गारंटी आपकी मिलने जा रही है। मोबाइल फ़ोन की गारंटी 6,800 रुपये प्रति महिला को दिए जाएंगे मोबाइल फ़ोन के लिए, और वो 20 तारीख को कैंप में जाके आप लोगों को नाम लिखवाना है। पहली घोषणा है जिसमें आपके जो मानदेय है उसको मैं 15% बढ़ाने की घोषणा करता हूँ।